कल यानी 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर आप देख सकते हैं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अलग अलग जो विभाग हैं वहाँ पर ये अलग अलग विधानसभा के लोग जो पोलिंग एजेंट हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और रवाना हो रही हैं और कितने मतदान स्थल हैं और कितने बूथ बनाए गए हैं ये जानने के लिए एडीएम फाइनेंस विनीत सिंह हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग जो ईवीएम हैं वो रखे हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और उसके साथ जो अन्य सामग्रियाँ हैं वो भी लोगों को जो यहाँ पर पोलिंग पार्टी जो है रवाना हो रही है उनको यहाँ पर दी जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उनको भी बाकायदे पुख्ता किया गया। यहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं और जो पूरी नज़र हर तरह से रखे हुए हैं और अलग अलग जगह पर एसडीएम जो हैं उनको यारों को तैनात किया गया। विनीत कुमार सिंह हैं एडीएम फाइनेंस हमारे साथ। सर किस तरह की व्यवस्था है और पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो? आज गोरखपुर और बांसगांव दोनों लोकसभा क्षेत्रों के 3271 बूथ हमारे लगेंगे गोरखपुर जनपद में, उन सभी की पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही टोटल 8 विधानसभा क्षेत्रों में और अभी आधे से ज़्यादा पोलिंग पार्टियों ने अपना सामग्री प्राप्त भी कर लिया और बसों में बैठ कर निकलना भी प्रारंभ हो गया है। तो और बूथ पर भी इनके रहने और खाने और सोने की पूरी सुविधा की तैयारी की गई है सभी हमारे संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा। हमारे बूथ भी लगभग बनाए जा चुके हैं, 50% बूथों पर हमारा वेबकास्टिंग के द्वारा निगरानी होगा। इसके साथ ही हमारे क्रिटिकल बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं, साथ ही अन्य बूथों पर भी हमारे CPMF की फोर्सेज लगी हुई हैं। तो पूरे मतदान को हम शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध हैं और उसकी पूरी तैयारी है हमारी। दो लोकसभा है गोरखपुर और बांसगांव, तो किस तरह से जो संवेदनशील बूथ हैं और किस तरह से इसकी शुचिता बनाने के लिए आप लोग प्रयास कर? 400 से अधिक बूथ हमारे क्रिटिकल श्रेणी में हैं दोनों लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मिला के, और इसको लेकर हमारे ऐसे बूथों पर जो क्रिटिकल बूथ चिन्हित हैं उनमें हमारा 3-लेयर सिक्योरिटी प्लान है जिसमें CPMF, माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग, इन तीनों के माध्यम से निगरानी की जाएगी और पूरी तरह से मतदान शांतिपूर्ण होगा, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत हैं और पूरी तैयारी हमारी। 6 चरण बीत चुके हैं, 7वां चरण है, तो जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? वोटर्स से हमारी अपील यही रहेगी कि यही आखिरी मौका है, बाकी सभी चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो आप बाकी चरणों से आगे निकलने का आपके पास मौका है। तो अभी तक UP का जो रिकॉर्ड रहा है बाराबंकी या किसी अन्य जिले का जो 67% के आसपास, तो मैं गोरखपुर के मतदाताओं से अपील करूंगा कि उस परसेंटेज को हमें पार करना है, कम से कम 70% से अधिक मतदान हो। तो इसके लिए पूरी तरह से आप अपने अपने घरों से निकलिए, अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग मतदान के लिए नहीं निकले हैं उनसे भी अपील करिए और हमारे द्वारा भी इसकी तैयारी की गई है। सभी गाँवों में और वार्डों में भी बुलावा टोली बनाया गया है जिसमें ग्राउंड स्तर पर और वार्ड लेवल पर जो हमारे सरकारी कर्मचारी तैनात हैं वो 9 बजे के बाद ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करेंगे जो अपने बूथ पर अभी तक पहुँच के वोटिंग नहीं किए हैं, तो उनको उनके घरों पर दस्तक देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने अपने बूथ पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा सभी बूथों पर एक ई रिक्शा व्यवस्था करने का प्लान है और जो मतदाता ऐसे हैं जिनको अपने बूथ तक आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा है या वो उनको कल धूप भी गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसको लेकर अगर किसी को असुविधा पर महसूस हो रहा है तो उनको उनके घर से लाके उनके बूथ तक वोटिंग करा के फिर वापस उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई मतदाता केवल इस वजह से कि धूप है गर्मी है या फिर उसको आने जाने में समस्या है इस वजह से अपने मताधिकार से वंचित ना रहे, इसका हमारा पूरा प्रयास है। अगर बात करें जब पर्चा दाखिला हो रहा था उस समय भी हमने देखा था काफ़ी सजाया गया था कलेक्ट्रेट को, तो एक उत्सव जो है कल भी दिखाई देगा सेल्फी पॉइंट और ये सारी चीज़ें? नो डाउट इस बार के लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का पर देश का गर्व एक ये स्लोगन और लोगो जारी किया गया था, तो हम लोगों ने प्रयास किया था नामांकन के दौरान भी कि एक पर्व का माहौल रहे चुनाव को देखते हुए और उसी माहौल को क्रिएट करने के लिए कल फिर से हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल बूथ, पिंक बूथ और इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में कई बूथों को हम लोग सजा रहे हैं सेल्फी पॉइंट्स, इस तरह से हमारी तैयारी रहेगी। इससे पूर्व हमारा खजनी विधानसभा में वोटिंग हुआ था अभी कुछ दिन पहले जिसमें कुछ बूथों को हमने बहुत अच्छे तरीके से सजाया था और उसको उसकी फ़ोटोज़ को हमने इलेक्शन कमीशन को भी शेयर की थी और इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्विटर हैंडल से और उनके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सभी पेजों पे हमारे बूथ के जो फोटोज़ थे उसको शेयर किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमारे द्वारा तैयारी की गई है उसको इलेक्शन कमीशन अप्रिसिएट करेगा और उसको महत्व देगा और हमारी प्रशंसा होगी सभी जगह। तो धन्यवाद सर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी थे विनीत कुमार सिंह हैं और बता रहे थे कि किस तरह से
यहाँ पर तैयारी चल रही है, पोलिंग पार्टियाँ जो रवाना हो रही हैं, आपको यहाँ से ये दृश्य आपको दिखा देते हैं। यहाँ जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, ईवीएम तमाम ये यहाँ पर रखे हुए हैं और ईवीएम जो ले के लोग रवाना हो रहे हैं, पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो रवाना होती हुई यहाँ से आपको दिखाई देंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ये कला संकाय भवन में आप देख सकते हैं टेबल नंबर बाकायदे यहाँ पर दिया हुआ है और जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। टेबल नंबर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 लगातार ऐसे ही आगे तक बना हुआ है और अलग अलग जो संख्याएँ हैं, जो विभाग हैं उसके बाहर इसी तरह से व्यवस्था की गई। अलग अलग जो 9 विधानसभा हैं उनके गोरखपुर सदर की अगर बात करें तो सदर में 5 विधानसभा और गोरखपुर का जो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें 4 विधानसभाएं हैं और वो अलग अलग जो है विधानसभाओं का इसी तरह से अलग अलग विभागों में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आ रही हैं और अलग अलग टेबल पर अपना जो नाम है वो खोज कर बाकायदे जो औपचारिकता है उसे पूरा किया जा रहा है और औपचारिकता पूरा करने के बाद पोलिंग जो पार्टियाँ हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको यहाँ पर ईवीएम और जो अन्य सामग्रियाँ हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के पास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईवीएम है और वीवीपैट मशीन ये लोग जांच रहे हैं अपनी। जो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और तमाम जो लोग हैं वो ड्यूटी करने के लिए रवाना होने वाले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ईवीएम लेकर ये लोग रवाना हो रहे हैं, ये टीम यहाँ पर रवाना हो रही है। बात भी कर लेते हैं सर, ये बताइए कहाँ ड्यूटी लगी, क्या नाम है? ड्यूटी लगी है गोरखपुर शहर में है। कितने लोगों की टीम है आप लोग जा रहे हैं? 4 लोगों की टीम है। क्या क्या मिला है? अब मिला है पैड है, मशीन है, बैलेट है, यूनिट है, कंट्रोल वी पैड है। क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, वी पैड है। अच्छा, कल मतदान है तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोगों की ड्यूटी लगी और किस तरह से आप लोग मतदान? कल मतदान सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा और शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा। सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल स्टार्ट हो जाएगा और 6:30 बजे तक। कहाँ आपकी ड्यूटी कहाँ पर? हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने प्राथमिक विद्यालय डिबिया पे। ये प्राथमिक विद्यालय डिबिया में ड्यूटी है। सर ये बताइए कि कितनी आप लोगों को कितना उत्साह है इस लोकतंत्र के मौसम में, गर्मी भी काफ़ी है? अक्सर गर्मी लग रही है। जी जी, गर्मी तो बहुत है। मतदान कराएंगे अच्छे से? हाँ कराएंगे। देखिए मतदान अच्छे से कराएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं उत्साह लोगों के चेहरे पे यहाँ पर दिख रहा है। भीषण गर्मी है लेकिन जो उत्साह है वो कम नहीं है, लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं क्योंकि अंतिम चरण है, 7वां और अंतिम चरण है ये चुनाव का और 4 जून को रिजल्ट आना है गोरखपुर का। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट और बांसगाँव लोकसभा सीट है और अगर गोरखपुर मंडल की बात करें तो गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सलेमपुर में मतदान होना है। तो लोकतंत्र का महोत्सव है और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।